कि मैक्सिमम जितने एथलीट्स हैं बॉडी बिल्डिंग, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था नॉर्थ के लोगों से, क्योंकि एक तो गॉड गिफ्टेड लोग हैं यहाँ पे, हाइट उनकी गिफ्टेड है आपके लोगों की, मतलब नॉर्थ सेक्शन जो इंडिया का है वो सबसे ज़्यादा जड़ने के लिए स्ट्रांग है। और यहाँ के बंदे, मैं 15 साल पहले स्टार्ट किया था मैंने बॉडी बिल्डिंग, तो मैक्सिमम जैसे टेंशन डेगरा सर जो सबसे बड़े बॉडी बिल्डर इंडिया के हैं वो यहाँ से है, और उनका इंस्पिरेशन लेके यहाँ के इतने ज़्यादा बॉडी बिल्डर नॉर्थ से आए थे। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा वेट 65 kg था और मैक्सिमम नॉर्थ के बॉडी बिल्डर अबव 5 feet 10 inches और पूरे 980 के अबव थे। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इनके साथ कम्पीट करूँगा, बट थोड़ा मुझे जेनेटिक के लिए सपोर्ट मिला गॉड से, गॉड गिफ्टेड कुछ था, तो मैं 10 साल करता रहा। 10 साल के बाद मुझे कुछ अचीवमेंट मिला और मैं फर्स्ट टाइम मिशनरी हो गया था। सीधी बात बोलूँ तो बॉडी बिल्डर में बहुत ज्यादा कीड़े होते हैं, एक बार आपको कीड़ा लग जाएगा ना तो आपको कुछ भी हो जाएगा, तो आप बॉडी बिल्डिंग छोड़ नहीं सकते हो। कि मुझे लेग की इंजरी हो गई थी, तो उस टाइम पे जस्ट मेरा बिगिनिंग था, मैंने फर्स्ट टाइम यूनिवर्स जीता था मिस्टर यूनिवर्स, और मुझे इंजरी हो गई। उसके बाद क्या हो गया था कि मेरा आइडेंटिटी था बॉडी बिल्डर और मेरे फीक टाइम पे मुझे इंजरी हो गई, तो कॉन्फिडेंस चला गया क्योंकि वर्कआउट नहीं कर पा रहा था, डॉक्टर ने बोला था कि रेस्ट लेना पड़ेगा, और लोग बहुत ज़्यादा बोलने लगे कि अभी 15 मिनट नोवेयर, क्योंकि इंजरी के बाद बॉडी बिल्डिंग में वापस आना मुश्किल होता है। तो बॉडी बिल्डर एक ऐसी कम्युनिटी है कि अगर वो दिल में चाहेंगे, दिमाग में लेंगे वो करना है, तो हर चीज़ को, हर ऑब्स्टेकल को पार करके वो चले जाते हैं, क्योंकि माइंड टू मसल का कनेक्शन रखना उनको बहुत अच्छा आता है। तो बॉडी बिल्डर हूँ तो फिर वो दिमाग में आ गए कि लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अभी नहीं आ सकता, ठीक है फिर से करके दिखाएंगे। तो वो एक दिमाग में रख के किया था मैंने कि नहीं, अगर मैं एक करूँगा एक बार, तो जितने भी लोग हैं कि जो इंजरी के कारण पीछे हट जाते हैं, तो जब इंजरी होती तो ऐसा मैं सोचता था कि रेस्ट ले रहा हूँ, रेस्ट के बाद फिर से मसल रिकवर हो जाएगा, तो आई कैन ट्रेन माई मसल। लाइक वाइज माइंड को ट्रेन किया, तो माइंड एक बार ट्रेन हो जाएगा तो आपकी बॉडी अपने आप ट्रेन हो जाएगी। यंगस्टर है, 3 चीज़ें याद रखिए आप, अच्छा खाना, अच्छा वर्कआउट और रेस्ट, ये 3 चीज़ें भी आप फॉलो करेंगे, यू कैन डेफिनेटली गुड फिटनेस पर्सन, देन आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ क्या है, और आप उसके बाद चॉइस कर सकते हो आपको बॉडी बिल्डिंग बनना है, मॉडलिंग करना है, जो भी करना है। फिटनेस सिर्फ कॉम्पिटिशन के लिए रहता नहीं है, फिटनेस रहता है आपका काम करने के लिए। तो फिटनेस में बॉडी बिल्डर का काम है बॉडी दिखाना, बट फिटनेस के बाद काम रहता है कि हर चीज़ आपकी जो कर रहे हो आप वो 100% आपका परफॉर्मेंस वहाँ पे होना चाहिए। तो फॉर दैट रीजन फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप फिट बनो, आप तो अच्छी तरह देख के आपका परिवार फिट हो जाएगा, और आपका परिवार फिट है तो बाजू वाले परिवार को फिट होना ही पड़ेगा। फिटनेस इज मच चीपर देन इलनेस। तो डॉक्टर के पास जाने से पहले आप जिम में चले जाओ तो आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो जब डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि जिम लगाना पड़ेगा, बल पे करना पड़ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दैट फिटनेस इज मच चीपर देन इलनेस। आप जिम में जाओगे तो आपके पास इलनेस आएगा भी नहीं।
सो जस्ट बी फिट एंड लिव फिट।